जो अभी तक हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स के फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे उनके लिए हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है, या फिर कहें कि बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब जो है DHE ने एक नोटिस निकाल कर आप सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोग अब और भी आगे तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पहले जो 25 जून लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आज की वीडियो में कंप्लीट इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आगे आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब 2-4 दिन बाद ही जो है मेरिट लिस्ट वगैरह चेक करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस DHE की तरफ से आ चुका है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रॉम डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा टू ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, सभी को भेज दिया गया है। डेट देख सकते हैं 25/6/2024। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन टूवर्ड्स UG प्रोग्राम सेशन 2024-25, यानी कि जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया है। कब तक किया गया है आगे देखिए, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल टूवर्ड्स UG प्रोग्राम इज हेयर बाई एक्सटेंडेड अप टू 30/6/2024, यानी कि पहले 25 जून लास्ट डेट थी लेकिन 25 को ही ये नोटिस आ गया कि अब जो लास्ट डेट है वो 25 नहीं 30 जून है। यानी कि जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था हरियाणा कॉलेज एडमिशन के लिए, वो यार टेंशन मत लीजिए, DHE ने जो है आपकी सुन ली और यहाँ पर डेट को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये आखिरी मौका है, अब आप लोग जो है 30 जून तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये तो ऑफिशियल नोटिस हो गया, आप चाहो तो इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रियल है, आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा ये तो नोटिस है, मैं यहाँ पर आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है, UG के लिए आवेदन की तारीख 30 जून तक बढ़ी, देख सकते हो आप लोग, प्रदेश के कॉलेजों में UG कक्षाओं के लिए आवेदन करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले 25 जून लास्ट डेट थी, आप सबको पता है। आगे देखिए, अब तक करीब 1,25,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन आए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई अब तक जो है कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो 1,25,000, समझ गए, और ये फिगर जो है 1.5 लाख तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो सकता है, यानी कि यहाँ पर एडमिशन के लिए मारामारी हो सकती है, लेकिन जिनकी परसेंटेज हाई है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। 80+ जिनकी हैं उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा, और यहाँ तक मैं कहूँ कि अगर आपने सही सही कॉलेज भरे हैं तो आपका 70 तक भी हो जाएगा। जिनके 70 से नीचे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, चैनल पे बने रहो, ओपन काउंसलिंग के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। आगे देखिए, अब तक बता दिया मैंने कि भाई इतने फॉर्म जो है यहाँ पर आए हैं। UG कक्षाओं के लिए 2 जुलाई को प्रोविजनल और 3 को फाइनल सूची जारी होनी है, यानी कि यहाँ पर जो है 30 जून तक तो आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 2 जुलाई को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें भी आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं, वरना जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है जिसमें अगर आपका नाम आता है तो आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, वो आएगी 3 जुलाई को, समझ गए। तो 2 तारीख को भी आएगी एक लिस्ट और एक आएगी 3 तारीख को, तो 2 वाले में भी चेक कर सकते हो, वरना 3 जुलाई को जो आएगी कन्फर्म मेरिट लिस्ट उसमें तो नाम चेक करना ही करना है। तो आप लोग जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको घर बैठे, इस गर्मी में जो है बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे भी आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आपने न्यूज़ भी देख ली, नोटिस भी दिखा दिया, बिल्कुल रियल अपडेट है, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था किसी कारणवश जो रह गए थे, जल्दी से जल्दी तुरंत जो है 30 जून तक फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें अगर तुम्हारा नाम आ जाता है तो यहाँ पर फीस जमा करवाते ही एडमिशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आप एक कॉलेज स्टूडेंट बन जाएंगे। जिनका नाम नहीं आएगा इस लिस्ट में जो 3 तारीख को आ रही है, उनको निराश नहीं होना, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद उसमें भी नाम नहीं आया तो फिर ओपन काउंसलिंग होगी। तो इस तरीके से जो है आपके एडमिशन्स होंगे। ये नोटिस आया था कि भाई आपकी जो डेट है उसको 25 जून से 30 जून एक्सटेंड कर दिया गया है, और आगे भी कोई नई अपडेट आती है, आगे डेट एक्सटेंड होती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब आप इसके भरोसे ना रहें कि आगे एक्सटेंड होगी तभी फॉर्म अप्लाई करूंगा, अब 30 जून तक का टाइम है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद जैसे ही आगे प्रोसेस होगी बिल्कुल इजीली जो है आपको सारी चीज़ समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत आपको वीडियो मिल जाती है, वरना इन्फॉर्मेशन और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियो तो मैं बनाता ही बनाता हूँ, थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो,
फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।